अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईडन सिटी के बैड फेस 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे 50 रुपए के अंदर भी नाश्ता कर लेते हैं। कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह। चाचा जी, आप इधर से डेली नाश्ता करते हैं, कैसा टेस्ट है? अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा टेस्ट है। तो आप जो है कितने का नाश्ता ले जाते हैं? बस कभी 200-250 चार पांच बंदे आराम से खा लेते हैं। अच्छा, 200-250 में चार पांच बंदे आराम से खा लेते हैं। ये 100 का हुआ है, इसमें दो नान और चने हैं, 100 रुपए के अंदर। जी हाँ माशाल्लाह। तो आपके पास क्या क्या होता है? हलीम, सब्जी और चावल। अच्छा, जर्दा और जर्दा भी है? दाल चावल। बिल्कुल ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप चीज़ें दिखाते भी हैं, साफ सुथरा काम है। ये चने हैं माशाल्लाह, बेहतरीन चने हैं। और इसके अलावा ये आपकी हलीम आ गई। हलीम की प्लेट कितने की वैसे दे रहे हैं? 80 रुपए की। और इसके अलावा? इसके अलावा ये चावल, ये चावल आ गए। ये कितने की प्लेट है? ये 50 के। और जो जिसको जितनी ज़रूरत है, 50-100 जितने चाहिए। ये वाइट चावल आ गए। और इसके अलावा सब्जी, आलू गोभी। ये क्या है? ये रायता है? अच्छा, ये रायता। बिल्कुल सही। तो देखें, सारे यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, चाय का इंतज़ाम भी है इधर। चाय का कितने का कप दे रहे हैं? 50 रुपए का माशाल्लाह। तो आप डेली इधर आते हैं नाश्ता करने? डेली अच्छा, कैसा टेस्ट है? देखने वालों को क्या कहेंगे इधर आए नाश्ता करें? अच्छा, तो इधर आते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। हाँ, कोई भी नहीं आता। तो आप यहाँ पे कितना का जो है वो नाश्ता कर लेते हैं, कितने पैसों में? मुनासिब होता है, मुनासिब होता है 100-200 इतने में। वाला काम नहीं। हाँ जी, फूके वाला काम नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, वो देखे मैंने, 100 का नाश्ता बुज़ुर्गों को दिया अभी। चलें, मेहरबानी आपका। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम क्या देना है? हमने यही कहना पे महंगाई के दौर है और क्या है। बिल्कुल ठीक है। पता है कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे नहीं। चने। हाँ जी, बिल्कुल सही। चने। तो आपके पास लोग नाश्ता करने के लिए आए, क्या ये आप सजेस्ट करेंगे देखने वालों को, पैगाम देंगे? हाँ जी, यही पैगाम देंगे, महंगाई को कम करें। महंगाई को कम करें। हाँ बिल्कुल सही। कुछ आप कहना चाहेंगे? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।